वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटी फॉर लेटेस्ट अपडेट और इन लेक्चर्स की पी के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट दैट इज़ डब्ल्यू 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 डॉट अरोड़ा आई एस डॉट कॉम पर फॉलो कर सकते हैं अगर आप पी जी वी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड एमजॉन सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर सो so अब तक हम हमारी जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको पार्ट एट तक कंप्लीट कर चुके हैं सो तो आज हम स्टार्ट करेंगे उस बुक का पार्ट नाइन्थ जो कि है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस के बारे में सो तो सबसे पहला चैप्टर है उसमें कॉरपोरेटिव सोसाइटीज के बारे में सो तो अब हम इसमें देखेंगे देखेंगे कि ये जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था या फिर नहीं अगर नहीं था तो इसको कैसे ऐड किया गया सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि द नाइनटी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड इलेवन गेव अमेंडमेंट एक्ट था जो टू थाउजेंड इलेवन में लाया गया था उसके थ्रू जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया सो so यहाँ पे है कि कॉरपोरेटिव सोसाइटीज होती क्या हैं कॉरपोरेटिव का मतलब यहाँ पे वो सोसाइटीज जो एक दूसरे के सहयोग के साथ चलती हैं जिसमें दोनों मेंबर्स का मतलब एक से ज्यादा अगर उसके मेंबर्स यानी कि सभी मेंबर्स का उसमें बेनिफिट हो रहा होता है सो इन दिस कॉन्टेक्ट इट मेड द फॉलोइंग थ्री चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको ऐड करने के बाद तीन चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला था उसमें कि इट मेड द राइट टू फॉर्म कॉरपोरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट सो आर्टिकल 19 के अंदर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज बनाने का जो राइट right था उसको फंडामेंटल राइट right बना दिया गया सो so नेक्स्ट आता है इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ अ सोसाइटीज आर्टिकल बी के अंदर जो था इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो था इंक्लूड किया गया कि आप जो है कॉर्परेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन कर सकते हो सो नेक्स्ट आता है इट एडेड अ न्यू पार्ट दैट इज नाइन्थ बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इनके थ्रू एक न्यू पार्ट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज नाइन्थ बी विच इज एंटाइटल्ड दॉपोरेटिव सोसाइटीज जिसको क्या बोला जाता था कॉर्परेटिव सोसाइटीज और कौन से आर्टिकल डील करते हैं इसके साथ टू फोर्टी थ्री जेड एच से लेके टू फोर्टी थ्री जेड टी तक सो so नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में सो so जो पार्ट नाइन्थ बी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज कि कॉरपोरेटिव सोसाइटीज के रिलेशन में यहाँ पे ये कुछ प्रोविजन दी गई हैं सबसे पहले आती है इनकॉरपोरेशन ऑफ द कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ तो इसमें क्या बोला गया है कि द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक प्रोविजन फॉर द इन कारपोरेशन रेगुलेशन एंड बाइंडिंग अप ऑफ कारपोरेटिव सोसाइटीज़ कि यहाँ पे जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा प्रोविजन बनाई जाएंगी कारपोरेटिव सोसाइटीज़ को इनकॉरपोरेट uh, करने के लिए उनको रेगुलेट करने के लिए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वलेंटरी फॉर्मेशन जो कि वलेंटरी फॉर्मेशन पे बेस्ड होंगी इसका डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होगा मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनमस फंक्शनिंग सो इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कॉपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए रेगुलेशन uh, बनाएगी और वो जो सोसाइटीज होंगी वो बेस्ड होंगी दम, वो फॉर्मेशन पे उसके मेंबर्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक होंगे और यहाँ पे ये एज अ ऑटोनमस फंक्शन करेंगी नेक्स्ट आता है नंबर एंड टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस मेंियरर्स सो so, इसमें क्या बोला गया है कि द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ सच बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कि यहाँ पे जो है बोर्ड में न, कुछ मेंबर्स जो होंगे वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे कितने होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कॉपरेटिव सोसाइटी शेल नॉट एक्सीड ट्वेंटी वन यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो ट्वेंटी वन होंगे उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ वन सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा यहाँ पे एक सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की जाएगी और दो सीट्स यहाँ पे रिजर्व की जाएंगी वुमेन के द्वारा ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नेक्स्ट है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बियर शैल बी फाइव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन कि जो इसके मेंबर्स होंगे उनका जो टेन्योर है वो कितना होगा फाइव इयर्स का होगा द स्टेट लेजिस्लेटर शेल मेक प्रोविजन फॉर द ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट फाइनेंस और स्पेशलाइजेशन इन एनी अदर रिलेटेड फील्ड एज मेंबर ऑफ द बोर्ड सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इसके लिए प्रोविजन बना सकती है कि जो इसके मेंबर्स होंगे वो कोई बैंकिंग में जिसको एक्सपीरियंस हो उनको यहाँ पे ऐड किया जा सकता है जिस मैनेजमेंट में या फिर फाइनेंस वगैरह में एक्सपीरियंस हो उनको यहाँ पे ऐड किया जा सकता है सो नेक्स्ट आता है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड कि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनकी इलेक्शंस के बारे में तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि इलेक्शन ऑफ द बोर्ड शेल बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ बोर्ड कि जो इलेक्शन होगी बोर्ड के मेंबर्स की वो उनके जो उनके टर्म एक्सपायर होने से पहले करवानी होंगी सो टू इंश्योर दैट कि न्यूली इलेक्टेड ऑफिस एज्यूम ऑफिस इमिडियली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेम्बर ऑफ़ द आउट गोइंग बोर्ड कि यहाँ पे जो मेम्बर्स रिटायर हो रहे हैं वो उनके ऑफिस छोड़ने से पहले जो न्यूली इलेक्टेड मेम्बर्स हैं वो ऑफिस संभाल सके वो ऑफिस अपना रिज्यूम uh, कर सके नेक्स्ट so है द सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल यहाँ पे क्या है कि जो कंट्रोल होगा societies का, उनकी सुपरिंटेंडेंस होगी उनको जो डायरेक्शन दी जाएंगी वो किसके द्वारा दी जाएगी वो उस बॉडी के द्वारा जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वहां पे प्रोवाइड की गई होगी नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज तो so, इसमें क्या बोला गया है कि द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक प्रोविजन्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट बाय कारपरेटिव सोसाइटीज़ एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स एट लीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोविजन बना सकती है कि ये जो अकाउंट्स है वो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ उनको मैंटेन कर सकती है और उन अकाउंट्स को फाइनेंशियल uh, ईयर में कम से कम एक बार ऑडिट किया जाएगा कि उनको देखा जाएगा कि जो पैसा वहां से खर्च किया जा रहा है वो सही जगह पे लगाया जा रहा है या फिर नहीं सो so नेक्स्ट है इट इट शैल ले डाउन द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर कि यहाँ पे जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है वो दिया होना चाहिए ऑडिटर का और ऑडिटर फॉर्म का नेक्स्ट है एवरी कॉपरेटिव सोसाइटी शैल बी ऑडिटेड बाय ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म कि यहाँ पे जो सारी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी उनको ऑडिटर या फिर ऑडिटर फर्म के द्वारा ऑडिट किया जाएगा और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा बाय द जनरल बॉडी ऑफ अ कोपोरेटिव सोसाइटी सो नेक्स्ट है बट सच एन ऑडिटर और ऑडिटर फर्म शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट और ये जो ऑडिटर एंड ऑडिटर फर्म होंगी इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाएगी उसको अप्रूव किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उस बॉडी के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे वहां पे काम कर रही होंगी नेक्स्ट आता है द अकाउंट ऑफ एवरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज शेल बी ऑडिट विद इन सिक्स्थ मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे हर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का जो अकाउंट है उसको सिक्स मंथ के अंदर अंदर जो है वो ऑडिट किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक नेक्स्ट है द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ एन अपेक्स कॉपरेटिव सोसाइटी शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर कि यहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट होगी कॉपरेटिव सोसाइटीज के अकाउंट की उसको किसके सामने रखा जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के सो नेक्स्ट आता है कन्वीनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग सो इसमें क्या बोला गया है कि द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड दैट द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ एवरी सोसाइटीज शैल बी को विद द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ऑफ क्लोज ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा क्या बोला गया है कि जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ है यहाँ पे उनकी मीटिंग होनी चाहिए कम से कम सिक्स मंथ में एक बार फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले कम से कम कि सिक्स मंथ में उनकी एक बार यानी साल में दो बार जो है यहाँ पे मेम्बर्स की मीटिंग होनी चाहिए नेक्स्ट आता है राइट ऑफ अ मेम्बर टू गेट इंफॉर्मेशन तो इसमें क्या है कि द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर एक्सेस टू एवरी मेंबर ऑफ कारपरेटिव सोसाइटीज़ टू द बुक इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट ऑफ द कॉरपोरेटिव सोसाइटी कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कॉपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स को एक्सेस दे सकती है कि वो जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी इफॉर्मेशन वो ले सकते हैं या फिर उनके अकाउंट्स की अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको तो वो भी वो ले सकते हैं इट मे ऑल्सो मेक प्रोविजन टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द मेम्बर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ तो यहाँ पे और क्या प्रोविजन बनाए जाएंगे स्टे, स्टेट लेजिस्टर के द्वारा कि जो कि यहाँ पे जो मेम्बर्स हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सके सो so, नेक्स्ट आती है रिटर्न रिटर्न सेम जैसे टैक्स वगैरह फाइल किया जाता है वैसे ही होते हैं रिटर्न भी एवरी कारपरेटिव सोसाइटी शैल फाइल रिटर्न की यहाँ पे हर कॉपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो है फाइल uh, किया जाएगा रिटर्न विद इन द सिक्स मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी ईयर एवरी फाइनेंशियल ईयर कि यहाँ पे हर फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के सिक्स मंथ के अंदर अंदर उन क्या क्या होगा उनके रिटर्न में कौन से मैटर्स होंगे एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ उनकी एक्टिविटीज की एनुअल रिपोर्ट इट्स ऑडिट स्टेटमेंट उनके अकाउंट्स की जो ऑडिट स्टेटमेंट होगी वो रिगार्डिंग डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ इस जनरल बॉडी मीटिंग की जो जनरल बॉडी की मीटिंग एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई द रजिस्ट्रार अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार को जरूरत है वो नेक्स्ट आता है ऑफेंसिस एंड पेनल्टीज तो इसमें क्या है कि द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक फॉर फॉर द द रिलेटेड टू सोसाइटीज एंड पेनल्टीज सच कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है अगर कोई कारपरेटिव सोसाइटीज के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए वहाँ यहाँ पे वो प्रोविजन बना सकती है और उसको पेनल्टी भी दे सकती है एंड सच अ लॉ शैल इंक्लूड द कमीशन और अमिशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ एजेंसिस और इस लॉ के अंदर किन को जो है ऑफेंसेज माना जाएगा कॉपरेटिव सोसाइटी अगर कोई कारपरेटिव सोसाइटी गलत ढंग से कोई इन्फॉर्मेशन uh, दे रही है कोई मतलब खुद की मर्जी से गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है तो उस कॉपोरेटिव उस सोसाइटी को यहाँ पे एज अ ऑफेंस डिक्लेयर किया जाएगा नेक्स्ट है एनी पर्सन बिलफुली डिस एनी सम्मन रिक्विजिशन और ऑर्डर इशूड अंडर द स्टेट एक्ट अगर कोई भी कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मेंबर अपनी मर्जी से किसी समन को डिसोबे कर रहा है या फिर किसी स्टेट एक्ट के ऑर्डर को डिसोबे कर रहा है तो वो भी यहाँ पे इसी के अंदर आएगा एनी एम्प्लॉयर हु विदाउट सफिशेंट कॉज फेल टू पे टू अ अपरेटिव सोसाइटी द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय विद इन द पीरियड ऑफ फोर्टीन डेज नेक्स्ट है एनी ऑफिसर्स हु विलफुली फेल टू हैंड ओवर कस्टडी ऑफ द बिक्स बुक्स अगर कोई भी ऑफिसर तो यहाँ पे आ, खुद की मर्जी से जो है वो आ, किसी चीज़ की कस्टडी जो थी किसी रिकॉर्ड की कस्टडी कोई कैश या फिर सिक्योरिटी की कस्टडी यहाँ पे नहीं दे रहा है तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा एनी पर्सन हु अडॉप्ट करप्ट प्रटिसज बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द मेम्बर्स ऑफ बोर्ड अगर कोई भी पर्सन कुछ करप्ट प्रैक्टिस करता है इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन के बाद या फिर इलेक्शन से पहले तो उसके काम को भी वहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा तो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट सोसाइटीज तो इसमें क्या गया, कहा गया है द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द मल्टी स्टेट सोसाइटीज यहाँ पे ये यह जो इस पार्ट के प्रोविजन हैं वो कहाँ पे अप्लाई होंगे uh, जहाँ पे मल्टी स्टेट कारपोरेटिव सोसाइटीज होंगी सब्जेक्टेड टू द मॉडिफिकेशन दैट एनी रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट एक्ट स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज यानी कि इस पार्ट के जो प्रोविजन है वो कहाँ पे अप्लाई होंगे यूनियन टेरिटरीज के ऊपर बट द प्रेजिडेंट मे डायरेक्ट दैट प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी यूनियन टेरिटरी और पार्ट देयर फॉर इट मे स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन बट यहाँ पे जो प्रेजिडेंट है वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये जो प्रोविजन है इसके इस यूनियन टेरिटरी इस यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई नहीं होंगे या फिर कुछ चेंजेस करके उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट क्या है कॉन्टिन्यूंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज तो इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी प्रोविजन जो कॉपरेटिव uh, सोसाइटी से रिलेटेड है उसको ये जो एक्ट था कॉपरेटिव सोसाइटीज के लिए नाइन्टी सेवन अमेंडमेंट एक्ट इसके इम्प्लीमेंट होने से पहले ही उनको उसको जो है इम्प्लीमेंट uh, किया गया है एंड विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट और अभी वो इस पार्ट से इनकन्सिस्टेंट है इससे मेल नहीं खाता शेल कॉन्टिन्यू टू बी इन द फोर्स अनटिल अमेंडमेंट और रिपील और उसको तब तक कंटिन्यू रखा जा सकता है जब तक कोई अमेंडमेंट या फिर फील नहीं किया जाता है और अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ वन ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट या फिर एक साल कंप्लीट होने तक सो so नेक्स्ट आता है रीजन फॉर द नाइन्टी अमेंडमेंट कि नाइन्टी सेवन्थ अमेंडमेंट लानी क्यों पड़ी कि जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल uh, स्टेटस क्यों देना पड़ा

सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी है नेशनल इकोनॉमी में और काफ़ी अच्छी ग्रोथ अचीव की है सो हाउ एवर इट हैज शोन वीकनेस इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दीज इंस्टीट्यूशन वर ऑर्गेनाइज बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो इसके मेंबर्स हैं उनकी जो सेफ है वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और जिस चीज़ के बेसिस पे ये बनाई गई थी जिस चीज़ के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी बनाई गई थी वो यहाँ पे फुल आ, फिल्मेंट नहीं हो पा रहे थे देअर हैज बिन हैज़ पॉन इन डेफिनेटली एंड नॉमिनेटेड ऑफिस दियर और एडमिनिस्ट्रेटर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट्स के द्वारा जो इलेक्शंस है वो बार बार पोस्टपोन की जाती रहती हैं कि जो ऑलरेडी वहाँ पे मेंबर्स होते हैं उन्हीं को uh, काफी लंबे समय तक वहाँ पे मेंबर बने रहना रहने दिया जाता है सो so, इसके कारण क्या होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी है कॉपरेटिव सोसाइटीज को मैनेज करने की वो रिड्यूस हो जाती है उसके मेंबर्स की कि यहाँ पे जो मेंबर्स है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट क्या है कि इन एजुकेट प्रोफेशनलिज्म इन द मैनेजमेंट इन मैनी ऑफ द कॉपरेटिव सोसाइटीज हैज लीड टू अ पुअर सर्विस एंड लो प्रोडक्टिविटी कि यहाँ पे क्या है कि अगर जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ है उनकी मैनेजमेंट प्रोफेशनल प्रोफेशनल ढंग से नहीं होगी बिकॉज़ एक ही मेंबर अगर काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पे बना रहेगा इलेक्शंस नहीं करवाई जाएंगी टाइम पे तो उससे क्या होगा कि जो सर्विस है वो उसकी प्रोड पोअर सर्विस मिलने लगेगी लोगों को और उसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी एंड कॉपरेटिव नीड्स टू रन ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको वेल एस्टैब्लिश मैनर पे चलाया जाए और उनकी जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर पे टाइम पे हो सके टू एंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड पब्लिक एट लार्ज तो ये और किस किसी चीज़ के लिए बनाया गया था अमेंडमेंट एक्ट कि जो लोग हैं और उसके मेंबर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है उसको सर्व किया जा सके और यहाँ पे जो इसकी अटानमी है उसको इंश्योर किया जा सके और जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ है वो डेमोक्रेटिक ढंग से फंक्शन कर पाए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो सके यहाँ पे

कि यहाँ पे जो इसकी कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो उस डायरेवल लेवल तक नहीं है जैसे उनको प्रोवाइड करनी चाहिए सो कंसिडरिंग द नीड फॉर द रिफॉर्म इन कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट सो जिसके कारण जो कॉरपोरेटि सोसाइटी का एक्ट था उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत थी नेक्स्ट आता है अ स्ट्रॉग नीड हैज़ बीन फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की एक और जो स्ट्रॉन्ग ज़रूरत थी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो क्या थी

वो एज अ डेमोक्रेटिक काम करेंगी एज अ प्रोफेशनल एंड ऑटोनमस ढंग से वो यहाँ पे काम करेंगी एंड विद अ फ्यू टू ब्रिंग द नेसेसरी रिफॉर्म्स इट वॉज प्रपोज न्यू पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो जिसके कारण यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू पार्ट ऐड किया गया तो so जिसके थ्रू क्या किया गया सो एज टू प्रोवाइड फॉर सर्टन प्रोविजन्स सो जिसके थ्रू कुछ प्रोविजन जो प्रोवाइड की गई कारपोरेटिव सोसाइटीज के लिए कि जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज है यहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड ऑटोनोमस ढंग से काम कर सके और ये यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया कि ये जो प्रोविजंस वो सिर्फ सोसाइटीज uh, को एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में ही नहीं काम करेंगी बट यहाँ पे जो कॉर्परेटिव uh, सोसाइटीज के मेंबर्स हैं और अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी यहाँ पे इंश्योर करेगी सो यहाँ पे हमारा कॉपरेटिव सोसाइटीज का चैप्टर कंप्लीट होता है मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ थैंक यू